हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष में। तो आज हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप के बारे में। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। चलिए डाउनलोड करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होते ही ओपन कर लीजिए। ओपन होते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, यहाँ स्किप कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करते ही आपके सामने यहाँ आपका बैंक ऑफ इंडिया से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट से, उसे क्लिक करके सेंड कर दीजिए। सेंड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ शो होगा, इसे प्रोसीड कर दीजिए। चलिए इसे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करते ही आपके सामने यूजर आईडी क्रिएशन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ आपको आपका यूजर आईडी बनाना है। तो यूजर आईडी जो है वो आप अपना नाम भी रख सकते हैं या कोई नंबर भी रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल नाम से बनाता हूँ दोस्तों। यहाँ यूजर आईडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आप पढ़ लीजिए। चलिए ओके करते हैं। ओके करते ही आपके सामने यह लॉगिन पिन बनाने के लिए बोलेगा दोस्तों। लॉगिन पिन जो है वो एटलीस्ट 6 डिजिट्स का होना चाहिए कम से कम, जो कि न्यूमेरिक होना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं। यह इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही आपके यहाँ कस्टमर आईडी जो है आपका बैंक में वो शो होगा, उसे क्लिक कर दीजिए। ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका प्राइमरी अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ शो होगा, उसे ओके कर देते हैं। ओके कर दीजिए। ये थोड़ा लोडिंग लेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका एटीएम कार्ड्स की डिटेल मांगेगा। तो आपके पास एटीएम कार्ड अगर तुरंत अवेलेबल होगा तो प्रोसीड नाउ कीजिए या फिर नॉट नाउ कीजिए। मैं अभी नॉट नाउ करता हूँ। लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। बट एटीएम कार्ड की डिटेल्स आपको बाद में वहाँ पे सबमिट करना होगा, क्योंकि विदाउट उसके आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर लॉग इन टू एम बैंकिंग कर देते हैं। चलिए दोस्तों लॉग इन करते हैं। यहाँ आपका यूज़र आई डी डाल दीजिए। दोस्तों यूज़र आई डी आपका मोबाइल नंबर या आपका कस्टमर आई डी भी हो सकता है। लॉगिन पिन डाल दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माय अकाउंट्स में। चलते हैं माय अकाउंट्स में। दोस्तों माय अकाउंट्स में जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सारे लिंक अकाउंट्स जो है बैंक ऑफ इंडिया में वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और उन सभी के यहाँ पर बैलेंस भी शो करेगा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसी के बाजू में हम देख सकते हैं एम पासबुक का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। एम पासबुक में यहाँ पर आप अपने सभी अकाउंट्स देख सकते हैं। जिस भी अकाउंट का आपको स्टेटमेंट चाहिए उस अकाउंट पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे आपको लास्ट मंथ का स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए, लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट्स का चाहिए तो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर अमाउंट का स्टेटमेंट देखना है तो आप अमाउंट डाल सकते हैं कि 1000 to 1000 मुझे देखना है। जैसे आपको 1000 रुपीज़ के पूरे ट्रांजेक्शन देखना है तो आप जैसे यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए और गेट स्टेटमेंट कर दीजिए, तो आपको आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। मैं एक स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे चाहिए 1 तारीख से आज तक का स्टेटमेंट, डेबिट क्रेडिट बहुत चाहिए, तो गेट स्टेटमेंट करूँगा, तुरंत आपके सामने आपका स्टेटमेंट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं आप, या फिर मेल भी सेंड कर सकते हैं। बैक करते हैं। उसी के बाजू में आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। जस्ट उसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। यहाँ पर प्लस का साइन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो बेनिफिशियरी ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसको पेमेंट करना है। आपको बी ओआई थर्ड पार्टी को करना है, नेफ्ट करना है, आरटीजीएस करना है, आईएमपीएस करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और जस्ट बेनिफिशियरी की डिटेल्स यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिए, तो आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। बैक करते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं बिल्स पे का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में यह बहुत अच्छी फैसिलिटी आई हुई है। इसमें से आप देखिए डायरेक्ट एजुकेशन फीस हो गया, आपका गैस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस, हॉस्पिटल बिल, वाटर बिल, और भी बहुत सारे बिल्स आप यहाँ से पेड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। बैक।
बैक करते हैं दोस्तों, IMPS का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, जैसे हमने अभी आप फंड ट्रांसफर में देखा उसी प्रकार IMPS को उन्होंने एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि ये 24x7 है दोस्तों, आप 24 घंटे में कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, बेनिफिशियरी ऐड अभी हमने बताया आपको कैसे करना है, जस्ट बैक कर लेते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं दोस्तों UPI का ऑप्शन दिया हुआ है, UPI के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, दोस्तों बेनिफिशियरी मैनेजमेंट मीन्स वही बेनिफिशियरी ऐड कैसे करना है, जस्ट प्लस पे साइन पे आपको क्लिक करना है और अभी हमने देखा था उसी प्रकार से यहाँ करना है बैक। के बाजू में आप देख सकते हैं दोस्तों इंश्योरेंस का ऑप्शन है, अगर आपको कोई इंश्योरेंस बैंक से करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल पर्सनल इंश्योरेंस, तो जो भी आपको करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जिस अकाउंट से आपको डेबिट करना है इंश्योरेंस का प्रीमियम, एंड जस्ट सबमिट कर दीजिए तो आपका इंश्योरेंस बन जाएगा। बैक करते हैं। इंश्योरेंस के बाजू में आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स का सेक्शन है, डिपॉजिट में हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट डिपॉजिट का ऑप्शन देता है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो आप अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट आपको यहाँ से आपका डेबिट अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से पैसा आपका FD में जाएगा वो अकाउंट सिलेक्ट करके ओके करना है, और आगे आपको सिलेक्ट करना है आपको किस प्रकार का फिक्स डिपॉजिट करना है, शॉर्ट टर्म करना है, क्वार्टरली करना है, मंथली इंटरेस्ट करना है, जैसे आपको सिलेक्ट करना है, स्कीम टाइप सिलेक्ट करना है, अमाउंट सिलेक्ट करना है, डोनेशन आपको देना है तो आप यस कर सकते हैं, सबमिट करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपका FD बन जाएगा दोस्तों। बैक करते हैं दोस्तों, कार्ड सर्विसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन से, यहाँ पर क्लिक करते हैं। कार्ड सर्विसेज में डेबिट कार्ड सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, हम डेबिट कार्ड में देखते हैं। डेबिट कार्ड में आपका जिस भी अकाउंट में आपको ATM प्रोवाइड किया है वो अकाउंट से यहाँ पे शो करेगा, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरा ये अकाउंट, ओके करता हूँ तो देखिए दोस्तों मेरा कार्ड नंबर आ गया है यहाँ पे। कार्ड नंबर पर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो उस कार्ड नंबर की पूरी डिटेल्स यहाँ पे, एक्सपायरी डेट वगैरह सब आ गया है। आप ऑनलाइन यहाँ से हॉटलिस्ट कर सकते हैं, टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों, पिन जनरेट कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, लिमिट मैनेज कर सकते हैं, मैनेज चैनल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सभी ऑप्शन में आप जाकर एक बार देख सकते हैं, जो भी आपको सर्विस चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से बैक करके हम क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में, अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड कोई लिया हुआ है तो आपको शो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया है यहाँ पर, पूरी डिटेल्स आ गई है। मैनेज कार्ड करेंगे तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से डेबिट कार्ड में सर्विसेज थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी है दोस्तों। ये देखिए आ गया कन्वर्ट, आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट कर सकते हैं, टेम्परेरी ब्लॉक, जनरेट पेन, मैनेज लिमिट, मैनेज कार्ड यूजेज, ऑटो डेबिट सेटअप, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए बैक करते हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम का यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शंस, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट की, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इनरोलमेंट कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, सर्विस रिक्वेस्ट में बैंक ऑफ इंडिया आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो देखिए आप यहाँ पर लिस्ट आ गई है। आप यहाँ से चेकबुक रिक्वेस्ट दे सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली चेक का स्टेटस देख सकते हो, चेक स्टॉप अगर कोई करना है, जैसे आपका कोई चेक लॉस्ट हो गया तो यहाँ पे स्टॉप चेक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। 50G 15H का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हो प्रोडक्ट्स में, कुछ इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली आप पॉजिटिव पे सिस्टम अगर आपको सबमिट करना तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जस्ट क्लिक कीजिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऑफर्स यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक टू बी अदर ऐप से लिंक करना तो वो भी है, डिजी लॉकर जो है वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, एग्री एंसली सर्विसेज के बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं आप जैसे आप देख सकते हैं। पैक करते हैं। ऑफर्स में अगर कुछ ऑफर्स होगा तो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों। गिवन डेट बैलेंस के ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पर्टिकुलर कोई डेट का अगर बैलेंस चाहिए होगा, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मेरे इस अकाउंट में,
पर्टिकुलर डेट का बैलेंस चाहिए, जैसे मुझे बैक करता हो 23 नवंबर का मुझे चाहिए कि 23 नवंबर को मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था, तो अभी जस्ट सबमिट करेंगे तो वो दोस्तों दिखा देगा आपको। बैक करते हैं, फीडबैक अगर आपको देना होगा तो आप फीडबैक देख सकते हैं। फीडबैक में दोस्तों अगर आपको कुछ कम लग रहा है ऐप में या फिर आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। स्टार ईकार्ट लॉयल्टी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह आपको कुछ करना है, रिचार्ज करना है, शॉपिंग डीटीएच बिल देना है, ई वाउचर्स है, फ्लाइट बुकिंग करनी है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जैसे जाकर आप इसका सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो है, आप प्रोफाइल फ़ोटो रख सकते हैं। होम कस्टमाइज डैशबोर्ड प्रोफाइल आपका है, ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग है, ट्रांजेक्शन सेटिंग, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉगआउट यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली हम यहाँ UPI का ऑप्शन, मैंने आपसे बताया था कि UPI के बारे में बाद में बात करेंगे, तो चलिए UPI के बारे में चेक करते हैं। तो इसी मोबाइल बैंकिंग में आपको UPI का ऑप्शन दिया गया है, जैसे UPI पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ऑटो में उसने ले लिया है, यहाँ पे आपका आ गया है, आप देख सकते हो ऊपर सबसे ऊपर आपका UPI ID क्रिएट हो गया है, वो आपका UPI ID दिखा देगा दोस्तों। यहाँ से आप पे कर सकते हैं, किसी को पे करना है, किसी से कलेक्ट करना है, स्कैन और पे करना है, तो यहाँ पे जैसे दूसरे ऐप में आप देखते हैं गूगल पे फ़ोनपे में उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं पूरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कुछ पेंडिंग रिक्वेस्ट होगा, मैं आपका QR कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री देख सकते हैं, मैनेज UPI कर सकते हैं यहाँ से, मैनेज UPI ID, सेट पिन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दोस्तों दिए हुए हैं, फॉरगेट भीम UPI पिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नया UPI अगर आपको बनाना है ID तो यहाँ से नया UPI ID बना सकते हैं, न्यू अकाउंट लिंक कर सकते हैं, UPI मैंडेट का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट मैंडेट, आपको अगर कुछ मैंडेट क्रिएट करना है, जैसे आपको अगले महीने के 3 तारीख को किसी को पेमेंट देना है, तो जैसे आप यहाँ से क्रिएट मैंडेट करके डिटेल्स फिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उस तारीख को पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। माय मैंडेट अगर आपने मैंडेट लगाया होगा तो यहाँ पे पूरा शो करेगा कि आपके कौन कौन से मैंडेट लगे हुए हैं। फेचिंग मैंडेट लिस्ट करना है, फिलहाल तो कोई मैंडेट नहीं लगाया मैंने, ओके करते हैं, बैक कर देते हैं। वेंडर हिस्ट्री रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट अगर किसी ने आपको पैसे के लिए किया हो तो यहाँ पे दिख जाएगा कि किसी ने आपसे पैसे के रिक्वेस्ट किया होगा, तो बैक कर देते हैं दोस्तों। ब्लॉक मैनेज ब्लॉक, किसी को आपने ब्लॉक किया होगा तो यहाँ दिख जाएगा, मैनेज पे बेनिफिशियरी आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिया हुआ बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से बैक करेंगे, यस करेंगे, तो आपका वो बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से लॉग आउट हो जाएगा और आपके लॉगिन पेज पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।